Hi friends, you are very most welcome on Unique Study with Ajay. दोस्तों, मैं इस चैनल के ऊपर नेट जा रहा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की क्लासेस चला रखा हूँ। ये जो मेरी दोनों क्लासेज हैं वो जो जून 2020 में JRF का एग्जाम होगा उसके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हो तो आपके लिए दोनों क्लासेस ज़रूरी हैं, यदि आप अदर सब्जेक्ट से हो तो फर्स्ट पेपर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये मेरी जो क्लासेज हैं MPhil PhD में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए, ज्योग्राफी क्लास असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और जो फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की क्लास हो जो जून में JRF का एग्जाम होगा उसके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, मैं इस चैनल के ऊपर 100% सिलेबस करवाऊँगा, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो और चाहे ज्योग्राफी हो। फर्स्ट पेपर का 100% सिलेबस करवाऊँगा जिसमें 10 टॉपिक, उनका डिस्क्रिप्टिव, उनका ऑब्जेक्टिव प्लस करंट, ये जितने भी टोटल 11 टॉपिक है, 10 टॉपिक प्लस एक करंट, ये जो 11 टॉपिक है ये मैं बिल्कुल सही ढंग से करवाऊंगा, क्योंकि मैंने प्रेजेंट में JRF का पास किया है, 2-3 बार नेट पास किया है मैंने, तो मेरे को पता है कि कहाँ से करंट के क्वेश्चन पुटअप होते हैं, कहाँ कहाँ से करंट के क्वेश्चन पुटअप होते हैं और कौन कौन सी टॉपिक से करंट के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। करंट बहुत सारी है, रेगुलर बन रही है, बट इम्पोर्टेंट कौन सी है हमारे एग्जाम के लिए, बेस्ट करंट कौन सी है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं आपको इस वीडियो पर ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप से सॉल्व करवाऊंगा। मैं करंट आपको एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा, जब कोई करंट का क्वेश्चन बनेगा, जब मेरे को लगेगा कि ये टॉपिक जून 2020 में जो एग्जाम होगा JRF का उसके लिए करंट का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको तुरंत इस चैनल के ऊपर पढ़ा दूंगा। प्रेजेंट टाइम में मैं लेके आया हूँ एक करंट का क्वेश्चन, फैंक यूनिवर्सिटी जाली विश्वविद्यालय फैंक यूनिवर्सिटी जाली विश्वविद्यालय, ये होता क्या है, फैंक यूनिवर्सिटी क्या है या जाली विश्वविद्यालय है क्या। देखो, UGC जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है वो विश्वविद्यालयों को स्थापित करने के लिए या विश्वविद्यालयों को मान्यता देने के लिए या विश्वविद्यालयों को उपाधि प्रदान करने के लिए एक रूल बना रखी है, एक नहीं वैसे बहुत सारे रूल हैं, बहुत सारे रूल्स बना रखी है। कोई विश्वविद्यालय उपाधि तभी प्रदान कर सकता है, कोई विश्वविद्यालय तभी ही डिग्री दे सकता है जब वो UGC द्वारा बनाए गए सभी रूल्स को फॉलो करता है, UGC द्वारा बनाए गए सभी रूल्स को फॉलो करता है। और जो यूनिवर्सिटी उन रूल्स को फॉलो नहीं करती और वो यदि डिग्री दे रही है, वो यूनिवर्सिटी चल रही है और वो UGC के रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है, तो UGC उन यूनिवर्सिटियों को फेक यूनिवर्सिटी घोषित कर देती है। क्या कर देती है, फेक यूनिवर्सिटी घोषित। ऐसा ही हुआ नवंबर 2019 में, UGC ने अपना एक सर्वे किया और उसने पाया कि कुछ यूनिवर्सिटियाँ जो UGC द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो नहीं कर रही हैं, जो UGC द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है, इसलिए UGC ने क्या किया, जो वो यूनिवर्सिटियाँ थीं उन सभी यूनिवर्सिटियों को फेक यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया, उनको जाली विश्वविद्यालय घोषित कर दिया। तो फेक यूनिवर्सिटी या जाली विश्वविद्यालय के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि वो विश्वविद्यालय जो UGC द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो नहीं करती, उन पर खरी नहीं उतरती, उन विश्वविद्यालयों को UGC द्वारा फेक यूनिवर्सिटी या जाली विश्वविद्यालय घोषित कर दिया जाता है। और जब किसी यूनिवर्सिटी को फेक यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया जाता है तो वो उपाधि देने का जो अधिकार है उसका, जो डिग्री देने का अधिकार है वो निष्कासित कर दिया जाता है, उसका डिग्री देने का जो अधिकार है उसका हनन कर लिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। कोई भी यूनिवर्सिटी जब फेक यूनिवर्सिटी में इंक्लूड हो जाती है तो उसके पास किसी भी कोर्स की डिग्री देने का अधिकार नहीं रहता, उसके पास किसी भी प्रकार की डिग्री देने का अधिकार नहीं रहता। तो ये बात आप ध्यान रखना, हो सकता है आप किसी फेक यूनिवर्सिटी से कोई भी डिग्री कोर्स कर रहे हो, तो प्लीज़ स्पेशली ध्यान रखना,
आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, स्पेशली फैंक यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स मत करना, क्योंकि फैंक यूनिवर्सिटी के पास डिग्री देने का अधिकार नहीं होता। वो डिग्री देगी बट वो डिग्री आपकी मान्य नहीं होगी। अब मैं बताता हूँ आपको यूजीसी के अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 22 फर्स्ट एवं अनुच्छेद 3 के अनुसार स्थापित केंद्रीय प्रांतीय मानित विश्वविद्यालय विद्यालय के अनुसार स्थापित केंद्रीय प्रांतीय मानित विश्वविद्यालय उपाधि देने का अधिकार रखते हैं। कि यूजीसी के अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 22 फर्स्ट व अनुच्छेद अनुच्छेद 3 के अनुसार स्थापित केंद्रीय प्रांतीय मानित विश्वविद्यालय उपाधि देने का अधिकार रखती हैं। और यदि कोई यूनिवर्सिटी अनुच्छेद 22 फर्स्ट और अनुच्छेद 3 के रूल्स को फॉलो नहीं करती तो उस यूनिवर्सिटी के पास किसी भी प्रकार की डिग्री देने का कोई अधिकार नहीं रहता। अब उसके बाद हुआ क्या, यूजीसी ने नवंबर 2019 में कुल 25 यूनिवर्सिटी को, कितनी को, 25 यूनिवर्सिटी को फ्रैंक यूनिवर्सिटी घोषित किया। कि यूजीसी ने नवंबर 2019 में कुल 25 यूनिवर्सिटियों को फैंक यूनिवर्सिटी घोषित किया। क्या किया, फैंक यूनिवर्सिटी घोषित किया। अब वो 25 यूनिवर्सिटियां कौन कौन सी हैं दोस्तों, बिल्कुल एज इट इज फैंक यूनिवर्सिटियों पर जून 2014 में जेल्फ का एग्जाम था उसमें एक क्वेश्चन आया था। जून 2014 का जो जेल्फ का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था फैंक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तब भी कुछ यूनिवर्सिटियों को फैंक यूनिवर्सिटी घोषित किया गया था। उसके बाद अब कुछ यूनिवर्सिटियों को फैंक यूनिवर्सिटी घोषित किया गया, हो सकता है 100% चांस है जहां से एक क्वेश्चन पूछा जाए। तो अब मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी फैंक यूनिवर्सिटी है। सबसे पहला आता है दिल्ली, दिल्ली दिल्ली में 7 फैंक यूनिवर्सिटी है। टेबल बना के कर लेते हैं अपन, इसको ज्यादा बेस्ट रहेगा। राज्य फैंक यूनिवर्सिटी, सबसे पहले बात करते हैं अपन दिल्ली, दिल्ली में कितनी है, 7 फैंक यूनिवर्सिटी है। उसके बाद बात करते हैं यूपी, यूपी में 8 फैंक यूनिवर्सिटी है। उसके बाद बात करते हैं अपन ओडिशा, ओडिशा में 3 फैंक यूनिवर्सिटी है। उसके बाद बात करते हैं वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में 2 फैंक यूनिवर्सिटी है। उसके बाद अपन बात करते हैं आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश है उसमें 2 फैंक यूनिवर्सिटी हैं। उसके बाद बात करते हैं कर्नाटक, जो कर्नाटक है, कर्नाटक उसमें 1 फैंक यूनिवर्सिटी है।
कर्नाटक में एक फेंक यूनिवर्सिटी है केरल, जो केरल है केरल में एक फेंक यूनिवर्सिटी है, और जो महाराष्ट्र है उसमें एक फेंक यूनिवर्सिटी है। क्या है, महाराष्ट्र में एक फेंक यूनिवर्सिटी, केरल में एक फेंक यूनिवर्सिटी, कर्नाटक में एक फेंक यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश में दो फेंक यूनिवर्सिटी, पश्चिम बंगाल में दो फेंक यूनिवर्सिटी, ओडिशा में तीन, यूपी में आठ और दिल्ली में सात। 7, 3, 10, 8, 18, 2, 20 और 5, 25, ये टोटल फेंक यूनिवर्सिटियाँ हैं। दिल्ली में सात हैं, यूपी में आठ हैं, ओडिशा में तीन, पश्चिम बंगाल में दो, आंध्र प्रदेश में दो, कर्नाटक में एक, केरल में एक व महाराष्ट्र में एक। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा फेंक यूनिवर्सिटियाँ घोषित की गई हैं, तो उस टाइम आंसर यूपी था, तो प्रेजेंट टाइम में भी आंसर यूपी है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा फेंक यूनिवर्सिटी घोषित की गई है, यूपी में। सबसे कम फेंक यूनिवर्सिटी कौन कौन से राज्यों में घोषित की गई है, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र। कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र में केवल एक एक फेंक यूनिवर्सिटी घोषित की गई है। तो दोस्तों इसमें टोटल 25 फेंक यूनिवर्सिटी हैं। इसके अलावा आपको जो हाई एजुकेशन का टॉपिक है उसमें और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ याद करनी पड़ेंगी, तो आप ये 25 फेंक यूनिवर्सिटी याद नहीं कर सकते, याद भी कर लोगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फेंक यूनिवर्सिटियाँ हैं जो पेपर्स में पूछी जा सकती हैं, वो मैं जो ऑब्जेक्टिव इसका वो बनाऊंगा वीडियोस, उसमें मैं उनको बता दूंगा। दोस्तों जो करंट का मैं ऑब्जेक्टिव है वो दो या तीन टॉपिक का एक साथ बनाऊंगा, क्योंकि इसका मैं अकेले का नहीं बना सकता, उसमें दो तीन क्वेश्चन बनेंगे, तीन चार क्वेश्चन बन जाएंगे, पाँच सात टॉपिकों के एक साथ मिला के, और मैं एक ऑब्जेक्टिव वीडियोज़ बना दूंगा जिसमें जो मोस्ट मोस्ट फेंक यूनिवर्सिटी हैं उनके बारे में बता दूंगा। तो दोस्तों इस टॉपिक को आप 100% याद करना, हो सकता है 100% चांस है इससे एक क्वेश्चन आने का, और ये एक क्वेश्चन ही है जो आपका जेरफ करवाएगा, आपका नेट करवाएगा, क्योंकि अदर चैनल्स पर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो 100% इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने पढ़ा था, इस वजह से मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, और 100% आएगा। तो दोस्तों यदि आपको इसी प्रकार से 100% जरा फर्स्ट पेपर का सिलेबस कवर करना है, वो भी एक इम्पोर्टेंट सिलेबस कवर करना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप नए हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, यदि आप पुराने हो तो शेयर और सब्सक्राइब वो लाइक करें। साथ ही साथ ऐसे वीडियोस, स्पेशली इम्पोर्टेंट करंट के वीडियोस भी देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको PDF लेनी है, ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव दोनों टाइप से, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7891350470 पर क्या करो, व्हाट्सएप मैसेज करो और वहाँ से आप PDF लो। साथ ही मैं PDF लेने का जो मेथड है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप PDF प्रोवाइड कर सकते हो। थैंक्स दोस्तों देखने के लिए, बाय।